हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं असम का करंट अफेयर कवर करूंगा जनवरी से दिसंबर पूरे साल का, यानी 2017 कंप्लीट ईयर करंट अफेयर आई विल कवर असम का। ये है पार्ट वन, इसके बाद आएगा पार्ट टू। सो आई विल कवर इट इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में कवर होगा ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। SSC, बैंक PO, UPSC और भी बहुत सारे एग्जाम है जैसे NDA, CDS इत्यादि के लिए हमारे पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। एक बार हमारी वेबसाइट studyiq.com पर जाकर आप सबके बारे में जान सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी सेल का भी लाभ उठा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है tirelesssoul, और ट्विटर पर है gaurav_888। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। स्वच्छ सर्वेक्षण हमारी सरकार कराती है स्वच्छ भारत के तहत, क्लीन इंडिया कैंपेन जो चलाया जा रहा है उसके तहत होता है स्वच्छ सर्वेक्षण। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा शहर कितना साफ है ये पता चलता है। तो भारत के 434 शहरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 434 में सबसे साफ शहर उभर के आया इंदौर। इंदौर है मध्य प्रदेश में। भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है भोपाल, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर विशाखापट्टनम था, फिर सूरत, फिर मैसूरू। मैसूरू पिछले दो साल से नंबर वन चल रहा था लेकिन इस बार नंबर फाइव पे आया है। एक और बात, विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में और विशाखापट्टनम ओवरऑल सिटी के तौर पर है नंबर तीन पे। तो जो टॉप 50 क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में उनमें गुजरात में है सबसे ज्यादा 12, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश के 11 और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश के 8। तो असम की क्या रैंकिंग रही? गुवाहाटी आया 134 पे, नागांव 161, सिलचर 280 और दिब्रुगढ़ 297 आउट ऑफ 434। तो ये है असम के चार जो सिटी है उनकी रैंक। असम का क्लीनेस्ट है गुवाहाटी 134 पर और असम का सबसे पीछे है दिब्रुगढ़ 297 पर। अब इसमें अगर पूछें कि इंडिया का डर्टीएस्ट सिटी कौन सा है लास्ट 434, तो आंसर है गोंडा, इट इज इन उत्तर प्रदेश, और सेकेंड लास्ट है भुसावल, वो है महाराष्ट्र में। तो ये है नीचे से दो। अब बात करते हैं असम के बजट की। जो बजट होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बजट को डिटेल में कवर करना होता है। असम में भी जो PSC और टीचर्स रिक्रूटमेंट इंस्पेक्टर वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें बजट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद फिर ये BJP में आ गए थे, और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो असम में जो इस बार बजट है वो चार स्तंभ उसके दिए गए हैं, 4 pillars ऑफ बजट। पहला है पर्सनल इंटीग्रिटी, दूसरा पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी यानी आर्थिक यानी राजनीतिक समावेश, और पर्सनल इंटीग्रिटी यानी कि नैतिकता, गवर्नेंस लेजिटिमेसी और पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये थे चार इस बार, और पारदर्शिता और ऑनेस्टी लाने की काफ़ी कोशिश की गई। असम का जो GDP है 2017-18 के लिए, इसको एस्टिमेट किया गया है 2,58,337 करोड़ पर। यह पिछले साल के बजट से 15% ज़्यादा है, और जो रेवेन्यू सरप्लस है वो टारगेट किया गया है 2400 करोड़, और ये होगा 0.93% ऑफ द असम GDP। फिस्कल डेफिसिट जो है उसका टारगेट है 7,702 करोड़, ये होगा 2.9% ऑफ असम GDP। एक बात याद रखिए, जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो किसी भी राज्य के 3% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहता है हमारा FRBM, फाइनेंशियल रेगुलेटेशन एंड जो बजट एक्ट है, FRBM एक्ट, और 14 फाइनेंस कमीशन, ये भी बोलता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ऑफ द स्टेट GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वेल विद इन लिमिट है, 2.98 है। बजट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो स्वयं जो योजना है उसके तहत 1,00,000 युवा हैं असम के जिन्हें क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। इन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है तो उसको 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे। मूगा सिल्क होता है असम में, बहुत ही ज़्यादा ये रेशम होता है, मूगा रेशम का कपड़ा बनता है इससे, और इसका जो प्रोडक्शन है सरकार का टारगेट है हम उसे 10 गुना बढ़ा देंगे 2026 तक। तो दोनों डेडलाइन आपको याद रखनी है। और मिशन मूगा लॉन्च किया इसलिए सरकार ने, इससे 16,43,000 जो वीवर हैं, जो बुनकर हैं, उन्हें फ़ायदा होगा, और 2.75 लाख रियरर को फ़ायदा होगा। एक असम की सरकार ने ऐतिहासिक मूव किया है, वो ये कि असम के फार्मर जो एग्रीकल्चर लोन लेंगे उन पे 100% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और ये इसलिए किया है जिससे किसान आसानी से लोन ले सकें। जीन बैंक बनाया जाएगा इंडिजिनस फिश, जिसको बोलते हैं हमारी जो स्वदेशी असम की अपनी जो फिश है उसके लिए एक जीन बैंक बनाया जाएगा। 82 ऐसी मछलियां हैं असम की जो लुप्त प्राय हैं यानी एंडेंजर्ड हैं, और ये लुप्त हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। जीन बैंक बनने से क्या होगा, इनके जीन वगैरह हमारे पास रहेंगे तो फ्यूचर में जाके हम इनका
जो रिप्रोडक्शन वगैरह करवा के इन्हें जिंदा रख सकते हैं। 1200 करोड़ रुपए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में यूज होगा। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 6 शहरों में बनाए जाएंगे, उसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 6 शहर हैं सिलचर, तिनसुकिया, जोरहाट, दिब्रूगढ़, नागारों एंड तेजपुर। दीज आर द 6 सिटीज फॉर विच 1200 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंड फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एंड डोंट फॉरगेट जीन बैंक इज फॉर 82, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, 82 स्पीशीज ऑफ फिश। देन देयर इज अ स्कीम दीनदयाल दिव्यांग सहज आचानी। अंडर दिस स्कीम 5000 रुपए दिए जाएंगे, 5000 रुपीज टू बी गिवन टू ईच 4.5 लाख दिव्यांग। दिव्यांग मीन्स डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड आर कॉल्ड दिव्यांग। सो इनको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा। हाउ मेनी पीपल विल बेनिफिट? 4.5 लाख पीपल विल बेनिफिट हु आर दिव्यांग। दे विल बी गिवन 5000 रुपीज फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड फॉर दिस गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 250 करोड़ रुपीज टोटल। नाउ व्हाट इज माजुली? माजुली इज अ रिवर आइलैंड, ओके, इट्स अ रिवर आइलैंड, इट इज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। रिसेंटली यू मस्ट हैव हर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज कॉल्ड सियांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट हैज बिकम पोल्यूटेड बिकॉज चाइना इज पुटिंग ऑल द कंस्ट्रक्शन वेस्ट इन टू दिस रिवर। सो टू प्रोमोट माजुली, माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन एशिया। सो टू प्रोमोट माजुली यूज ऑफ ओ माजुली एज द ट्रेडमार्क ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड विश टू एस्टेब्लिश इट एज वर्ल्ड पॉपुलर ऑर्गेनिक ब्रांड। सो वट इज द ट्रेडमार्क? इट इज कॉल्ड ओ माजुली। नाउ देर विल बी अ स्किल सिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल कौशल विकास के लिए स्किल सिटी एक प्रपोज की गई है असम में, जिसमें स्पेशलाइज स्किल स्कूल होगा। पहला ऐसा स्कूल जो बनेगा इसी साल बन जाएगा, यानी 2017 के अंदर अंदर बन जाएगा, अभी साल खत्म होने वाला है और MOU साइन हुआ है ITE सिंगापुर के साथ। सो असम में स्किल सिटी बनाने में कौन सा कंट्री हेल्प कर रहा है? सिंगापुर इज हेल्पिंग असम टू बिल्ड अ स्किल सिटी। नाउ गुवाहाटी वॉन्ट्स टू बिकम अ स्मार्ट सिटी, सो वर्क ऑन गुवाहाटी स्मार्ट सिटी हैज बिगन एंड 400 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। 400 करोड़ रुपया खर्च होगा गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और इसमें 400 में से जो 211 करोड़ है वो खर्च होगा स्टेट गवर्नमेंट का, और बचा हुआ 189 करोड़ रुपीज जो है वो खर्च होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को अच्छा करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को 24/7 डेडिकेटेड फीडर लगेंगे कामरूप में, काजीरंगा में, माजुली में, तेजपुर, सोलकुची और मनास में। यहाँ पे लगेंगे डेडिकेटेड फीडर टू एंश्योर दैट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज देयर 24/7। नाउ जो अभी फाइनेंस ईयर चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक फाइनेंशियल ईयर 2018, 2 सोलर प्रोजेक्ट टू बी लॉन्च, 2 सोलर प्रोजेक्ट लगेंगे, सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रोजेक्ट लगेंगे। एक लगेगा 69 मेगावाट का अमगुरी में शिवसागर में, और एक लगेगा 20 मेगावाट का चंद्रपुर कामरूप में। इसके अलावा 2 ब्रिज बनेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, 2 ब्रिजेस विल बी बिल्ट। एक कनेक्ट करेगा पान बाजार को नॉर्थ गुवाहाटी के साथ, और दूसरा कनेक्ट करेगा पलाश बाड़ी को सोलकुची के साथ। सो वन ब्रिज विल कनेक्ट पान बाजार टू नॉर्थ गुवाहाटी एंड द सेकेंड वन विल कनेक्ट पलाश बाड़ी टू सोलकुची। नाउ सिमिलर टू गोवा, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, देर विल बी अ एनुअल फेस्टिवल नाउ इन गुवाहाटी एवरी ईयर। नाउ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन विच इज कॉल्ड IRCTC, देर इज अ जॉइंट वेंचर विद दिस। नाउ देर इज अ प्रोपोजल टू स्टार्ट रोप वे फ्रॉम कामाख्या रेलवे स्टेशन टू कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल इज अ वेरी फेमस हिंदू टेम्पल इन असम एंड 15 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंड टू बिल्ड दिस रोप वे। इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम इन एसोसिएशन विद इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एंड बाय द वे वी हैव अ न्यू रेलवे मिनिस्टर ऑल्सो, हिज नेम इज पीयूष गोयल। Now, NRL's bio refinery project will process 5 lakh ton of green bamboo annually to encourage bamboo cultivation and employment generation. So, Assam government wants to encourage that people should grow bamboo. So, 5 lakh ton of green bamboo will be processed in the bio refinery project. Now, Assam government has also decided that it wants to remove the cess on the green tea leaves over a period of time. So this time reduction has been seen from 15 paise to 10 paise per kg of green leaves. So earlier you had to pay on 1 kg of green leaves 15 paisa as a green tea cess, but now it has been reduced from 15 paisa to 10 paisa. So there is a reduction of 5 paisa per kg. Now Assam government budget is over now. Okay, budget is over. So Assam government wants to incentivize filmmakers. They want that
यू नो इन असम लॉट एंड लॉट मोर पीपल शुड यू नो डू द शूटिंग ऑफ देयर फिल्म्स एंड दे विल प्रोवाइड सब्सिडी. दिस सब्सिडी विल बी अप टू 45%. हाउ? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So Assam government has announced new state tourism policy 2017. This will be applicable from 1st January 2018 to December 2022. So this is for 5 years. Now remember, film should be in Hindi, English or any foreign language, not vernacular. Hindi, English or any foreign language, and producer should have experience of minimum 5 films if they want to avail the benefit of subsidy. Now if the entire film shooting is done in Assam, the government will provide 25% of the expenditure. An additional 10% rebate will be made available if the story is also based in Assam. So this is 25%, right? Now, if there is a provision of providing another 10% rebate, I told you till up to 45%, right? So how 25% can become 45? Let's see. If another, 10% rebate can be there on qualified production expenditure, which is called QPE, for shooting more than 50% of the entire film in Assam. And again, this will be applicable from 1st January 2018. So this 10% extra you can get. So now it has become 35%, right? Now the policy to make state a tourism hub of Northeast through proper synergy with the Act East policy, as well as creating tourism promotion atmosphere in the state. Act East policy again for the development of the Northeast. We also have a dedicated department which is called DONER, Development of Northeast Region. Dr. Jitender is the minister for the same with independent charge. Now tourism department of Assam, they have made a tagline which is called Awesome Assam. It was launched globally on November the 1st, 2017 and it was also promoted in various countries. And you can see Awesome Assam logo. There is a tree here. There is a rhino here. Okay, rhino is very popular in Assam. Even Kaziranga in Manas National Park, we have rhino. And not only that, recently there was a youth boxing championship and the mascot for that was Guppy. Guppy. Guppy is what? Guppy is a rhino. So that was the mascot. Priyanka Chopra is Assam's tourism brand ambassador. This is important. And remember, any tourism unit with minimum investment of 1 crore rupees, which starts operation during January 1st, 2018 and 31st December 2022 will be entitled to 50% reimbursement under the state's goods and services tax paid for 10 years. So this is also a kind of rebate that you can get. And state government has opened the Act East policy department also recently. And the state government has planned setting up of a twin tower in Guwahati. Not only that. Sarbanand Sonowal has invited ASEAN countries also to open their consulate office. This consulate office will be opened in Guwahati. So these are some of the steps under the Act East policy. And also Guwahati airport will be modernized. It will be upgraded and it will be made in line with the newest standards. Now World Bank, it is giving a loan of $200 million to the government of Assam for farm sector reforms. And this will benefit more than 5 lakh farm households. So this is regarding, this is an investment in the agriculture sector to increase the productivity in Assam. How much is the loan? $200 million. World Bank is headquartered in Washington DC, which is the capital of America. And World Bank's president is Jim Yong Kim. And the CEO of World Bank, president is Jim Yong Kim and CEO is Kristina Georgieva. Remember both the names. Kristina Georgieva is the CEO of World Bank. And these agriculture reforms, they will be carried out in 16 districts of Assam and they will benefit 5 lakh households. So the government, this project is regarding supporting agribusiness investment, agriculture productivity, market access, enabling the small farmers to produce more, etc. Now, there are 3 states in India where Aadhaar is not mandatory for income tax return filing. Assam, J&K and Meghalaya. So, the union government has exempted the citizens residing in Assam, Jammu, Kashmir and Meghalaya from mandatory quoting of Aadhaar for a PAN application, that is permanent account number application, or for filing income tax return. So, the Finance Act 2017 had introduced Section 139AA in the income tax, making it mandatory from July the 1st, 2017 to provide Aadhaar. But again, these 3 states are exempted, Assam, J&K and Meghalaya. Niti Aayog will work to increase the production of methanol in Assam. Now remember, methanol is CH3OH chemically. The alcohol that we drink is ethanol. By we, I mean I, not I. I don't drink. So ethanol. Ethanol is
C2H5OH. This is the drinkable alcohol. And this is poisonous. Methanol is poisonous. So remember that also. So methanol production will be done, and methanol is used in pharma sector, in various other sectors. So Niti Aayog has made a strategy to increase the methanol production in Assam. Pradhan Mantri Modi, he will inaugurate the first global investor summit in Assam. So just like Gujarat, just like various states of India, they are having their own investor summit. Recently, I tell you, Jharkhand also had an investor summit which was called Momentum Jharkhand. Not only that, they made Mahendra Singh Dhoni, who is from Jharkhand's capital Ranchi, as the brand ambassador of Momentum Jharkhand, the investor summit. So ye jo investor summit hum karte hain, isliye karte hain ki वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करेंगी, इसलिए सब किया जाता है. सो प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का. और ये समिट होगी कब? ये समिट होगी 3-4 फरवरी 2018 को सारू साजाई स्टेडियम गुवाहाटी के अंदर. और एक बात और, 25% रिजर्वेशन दिया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को. और जो छोटे उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह. इसके अलावा वहाँ पे अगर आप अपना बीपीओ खोलना चाहते हो, कोई कॉल सेंटर या बीपीओ खोलना चाहते हो जिसमें कम से कम 100 सीट होनी चाहिए, ये कंडीशन है, तो आपको 1.2 लाख वन टाइम सपोर्ट मिलेगा पर सीट. मैं रिपीट करता हूँ, हर एक सीट के ऊपर सरकार आपको 1.2 लाख का वन टाइम सपोर्ट देगी, लेकिन कंडीशन ये है कि मिनिमम 100 सीट होनी चाहिए. इसी तरह से 1.5 लाख आपको वन टाइम सपोर्ट मिलेगा पर एम्प्लॉई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और 2.5 लाख वन टाइम सपोर्ट मिलेगा पर एम्प्लॉई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. कंडीशन ये है मिनिमम 50 सीट होनी चाहिए. अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको 1.5 लाख पर एम्प्लॉई वन टाइम सपोर्ट मिलेगा, और 2.5 लाख वन टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी जो तकनीक और अनुसंधान के लिए, जिससे R&D बढ़े, इनोवेशन बढ़े असम के अंदर. अगर IT पार्क में प्रोजेक्ट आप लगाते हो तो 20% ऑफ द लैंड प्राइस जो है वो सरकार देगी, और अगर आप IT पार्क के बाहर लगाते हो तो 50% सब्सिडी आपको सरकार देगी जमीन के ऊपर. इसके अलावा ₹3 पर यूनिट ऑफ पावर सब्सिडी दे मिलेगी आपको, यानी आपको एक यूनिट पावर पे ₹3 कम भरने पड़ेंगे, ये भी सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगी. ये सब इसलिए किया गया है जैसे असम में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, बिजनेसेस बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े इत्यादि. गुवाहाटी में एक जगह है जिसको बोलते हैं अंबारी. सो अंबारी इन गुवाहाटी, यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा, और ये बनेगा डिजिटल स्टार्टअप पॉलिसी के तहत. इसके अलावा असम की सरकार ने तेलंगाना की सरकार के साथ मिलके ये जो डिजिटल स्टार्टअप पॉलिसी है इसको एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि तेलंगाना जो है वो स्टार्टअप्स में काफ़ी आगे है. तेलंगाना ने अपना एक टी हब बनाया हुआ है और एक वी हब बनाया हुआ है, दो तरह के इनके इंक्यूबेटर हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये आपको याद रखना है. तेलंगाना के जो इनफैक्ट IT मिनिस्टर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, KT रामाराव, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान हैं, और वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लेके आए हैं. हैदराबाद में भी IT पार्क वगैरह हैं. सो असम की सरकार ने तेलंगाना की सरकार के साथ IT में जो पॉलिसी है डिजिटल स्टार्टअप पॉलिसी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपसी सहयोग के लिए एक MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा असम में जो 160 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, उसको हम लैंड बैंक में कन्वर्ट करेंगे जिससे जो नए इन्वेस्टर हैं वो इस लैंड बैंक से लैंड ले सकें. होता क्या है, अगर मान लो कोई इन्वेस्टर आता है और उसे कुछ इंडस्ट्री लगानी है तो जमीन नहीं मिलती, आसानी से लैंड एक्वायर नहीं होता, लैंड एक्वायर में काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए सरकार पहले से ही एक लैंड बैंक बना के रखेगी. असम में एक पैनल बनाया गया है अभी जो ये चेक करेगा कि मिनिमम वेजेस होनी कितनी चाहिए. तो जो मिनिमम वेजेस है, जैसे पहले कुछ 93 कुछ रुपीज़ मिलते थे, फिर बढ़ा के 127 कुछ रुपीज़ कर दिए थे, जो वहाँ पे चाय के बागान है असम में. असम भारत में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसर है, असम इज नंबर वन इन इंडिया इन टी प्रोडक्शन, रिमेंबर दैट. सो वहाँ पे जो चाय के बागानों में जो वर्कर काम करते हैं उनकी जो मिनिमम जो वेज है वो कितनी होनी चाहिए, इसके लिए बनेगा एक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो सलाह देगा, जो नीति बनाएगा इस दिशा में कि कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए, कितनी वेज होनी चाहिए, दिहाड़ी मजदूरी कितनी होनी चाहिए रोज की. और इस मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन होंगे वहाँ के लेबर वेलफेयर मिनिस्टर. इस वक्त असम के लेबर वेलफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर पल्लव लोचन दास. असम की एक फिल्म है जो 23वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, ये 10 से 17 नवंबर को हुआ था कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. इस फिल्म का नाम है यूनिटी डिग्निटी एंड ब्रदरहुड, तो UDB और पीपल ऑफ असम एंड पंजाब. ये डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट करा है देवोजीत कलिता ने, ये धुबरी में रहते हैं, एक बिजनेसमैन, इन्होंने फिल्म बनाई है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं इस फिल्म के अंदर, जैसे असम और पंजाब के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पंजाब से जो गुरु नानक थे वो असम आए थे एक बार, और गुरु नानक सिखों के फर्स्ट गुरु थे, और टोटल अभी तक सिख्स के
11 गुरुज हुए हैं, जो अभी 11th गुरु हैं वो हैं गुरु ग्रंथ साहिब, और जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो जो 9th गुरु थे सिख के गुरु तेग बहादुर जी, वो भी असम आए थे राजा राम सिंह के साथ मिलके। असम में फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने एशियन लैंग्वेजेस के लिए एफर्ट किया है कि हम असम के अंदर जो एशियन लैंग्वेजेस हैं उनको हम पढ़ाएंगे। तो असम के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं चंद्र मोहन पटवारी, उन्होंने कहा है कि जैपनीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है असम में, इससे फायदा ये होगा कि जापान से हमारा जो बिजनेस है उसमें हेल्प मिलेगी आईटी प्रोफेशनल्स को। स्पाइसजेट जो कंपनी है, एयरलाइंस की कंपनी है स्पाइसजेट, ये असम में अपना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक गांव है इसमें बिजली पहुंचाएगी। इस गांव का नाम है बरुआ छुक, ये माजुली डिस्ट्रिक्ट में है असम में। यहां पे एक सौर ऊर्जा से चलने वाला माइक्रोग्रिड लगाएगी और इससे इस गांव में बिजली आ सकेगी। असम को अपना पहला ग्लोसरी मिल गया है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का। ग्लोसरी मतलब होता है जहां पे सारे मेडिसिनल प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी है जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेसल, इसी तरह से रोवुल्फिया सरपेंटीना है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनको आप खा सकते हैं, दवाई की तरह काम करते हैं। इवन जो टर्मरिक है ये सब भी मेडिसिन की तरह काम करते हैं। सो जो मेडिसिनल प्लांट है और एरोमेटिक प्लांट है उनकी एक ग्लोसरी तैयार की है असम ने। इसमें 1400 मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बताया गया है और इसे एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने तैयार करा है जिनका नाम है जतिंदर शर्मा। मैं रिपीट करता हूँ, जतिंदर शर्मा, इनको 15 साल से ये सारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की जो एक रेपोटोआ बना रहे थे उस पर काम कर रहे थे, फाइनली इन्होंने एक ग्लोसरी बना दी है। और इसमें 1340 प्लांट स्पीशी हैं और 60 तरह के वाइल्ड मशरूम हैं जो असम के अंदर होते हैं। असम जो है उन्होंने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके एक 3-टायर कैंसर केयर ग्रिड बनाई है असम के अंदर 1400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से। इसमें 30,000, याद रखिए 30,000 कैंसर केसेस असम में हर साल बढ़ जाते हैं, असम में काफ़ी कैंसर इस वक्त फैल रहा है। और ये जो 3-टायर स्ट्रक्चर है इसमें इसका मतलब क्या है, तो ग्रिड सिस्टम है ये, इसमें पहला टायर जो है L1 ये स्टेट लेवल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट बनेगा गुवाहाटी में, इसमें सारी फैसिलिटी होंगी और ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसकी ट्रीटमेंट कैंसर की करेगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, L2 इसमें स्टेट मेडिकल कॉलेज बनेगा, L1 में स्टेट कैंसर एक इंस्टीट्यूट बनेगा, L2 में स्टेट मेडिकल कॉलेज बनेगा जहाँ पे कीमोथेरेपी यानी कि जो कैंसर की थेरेपी होती है कीमोथेरेपी वो होगी, रेडिएशन थेरेपी और ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी होंगी। और L3 में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेंगे, इसमें डे केयर फैसिलिटी होगी, कीमोथेरेपी होगी और रेडिएशन फैसिलिटी बनेगी। यानी L1 में कैंसर केयर, L2 में मेडिकल कॉलेज और L3 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेंगे। इसके अलावा असम में जो सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस हैं वो हैं कमरूप डिस्ट्रिक्ट में, कमरूप डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इनफैक्ट पूरे भारत में 4th हाईएस्ट कैंसर के केसेस जो हैं मेन में, 4th हाईएस्ट इन मेन एंड 3rd हाईएस्ट इन वुमेन वर रिकॉर्डेड फ्रॉम कमरूप डिस्ट्रिक्ट। कैलाश सत्यार्थी ये नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं, इन्होंने का बचपन बचाओ आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है जो बच्चों को ले काम करता है, जो बच्चे बाल मजदूरी ना करें यानी कि चाइल्ड लेबर ना करें। तो कैलाश सत्यार्थी ने मोर देन 60,000 जो बच्चे हैं उन्हें लिबरेट किया है चाइल्ड लेबर से, बंधुआ मजदूरी से, स्लेवरी से। तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ये स्पेशल क्लासेस स्कूल्स के अंदर करेगा इंडिया में, और इसमें 15 स्कूल असम के अंदर मिनिमम उनमें ये करेगा। और स्लोगन है फॉरगेट गुड एंड बैड टच, फॉलो नो टच। तो सत्यार्थी क्लासेस जो हैं इनमें बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे वो यौन उत्पीड़न का शिकार ना बने, उसके लिए उन्हें जरूरी जानकारी दी जाएगी। सो ये आपको याद रखना है। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने असम दर्पण को लॉन्च कराया। दर्पण मतलब होता है शीशा, मिरर, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी का प्रतीक है ये। और असम दर्पण बेसिकली ये है कि सरकार का जो परफॉर्मेंस है, सरकार की जो अचीवमेंट है, सरकार की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी असम दर्पण के ऊपर। ये इंग्लिश में अवेलेबल होगा और असमीज में अवेलेबल होगा। तो असम दर्पण पे जितने भी सरकार के स्कीम हैं और प्रोजेक्ट हैं वो कितना काम कर रहे हैं, क्या उनमें प्रोग्रेस है, ये सब आप देख पाएंगे। और ये सारे स्कीम है, जैसे फॉर एग्जांपल 15 गवर्नमेंट स्कीम है जो इस वेबसाइट पे अभी रखे हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, अमर दुकान, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल अमृत अभियान, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, ये सारे हैं। ये है असम दर्पण वेबसाइट, तो इसको एक बार जरूर खोलिए आप, इसमें आपको सारी जो स्कीम है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं। असम के नए गवर्नर बने हैं, पहले बनवारी लाल पुरोहित थे असम के गवर्नर, और बनवारी लाल पुरोहित अब लेकिन हो गए हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। सो प्रोफेसर जगदीश मुखी इज द न्यू गवर्नर ऑफ असम। अब ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी एक फ्लोटिंग लैब बनी है
इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी लैब, बायोलॉजी बोट, इसको बोलते हैं B4, यानी कि जो लैब है लैब एक बोट के ऊपर है। सो जो बोट है, ये जो बोट है बोट के ऊपर ही एक लैब बना दी गई है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, यहीं से नीचे से आप पानी लें और वहीं लेबोरेटरी में उसका हाथ की हाथ तुरंत वेरी क्विक यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द वाटर एंड दिस इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी बोट। सो आपको याद रखना है, और इसको IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, IIT गुवाहाटी साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड दिस फ्लोटिंग लैब विच इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी बोट। सो इट विल ऑल्सो स्टडी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम December 2017 एंड इनिशियली इट विल कवर पासीघाट, डिब्रूगढ़, निमती, तेजपुर एंड गुवाहाटी इन असम। असम में आफ्सपा पहली बार सरकार ने खुद ही ऑर्डर कर दिया है लगाने के लिए। अभी तक क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेती थी सरकार, लेकिन अब पहली बार इन्होंने आफ्सपा खुद ही लगा दिया है। सो आफ्सपा बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को। इसमें जो एंटायर स्टेट है उसको एक डिस्टर्ब्ड एरिया सरकार ने घोषित कर दिया है, 6 महीने के लिए आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड क्यों किया गया है, क्योंकि असम में इंसर्जेंसी चल रही है, वायलेंट इंसिडेंट बढ़े हैं। तो जो यूल्फा है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उन्होंने भी काफी वायलेंस वगैरह किया है, इसलिए असम को एक डिस्टर्ब्ड एरिया कहा है सरकार ने, और खुद ही आफ्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अभी भारत में आफ्सपा जो है ये 6 स्टेट्स के अंदर लगा हुआ है, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल में, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी, ये बनेगा गोगामुख में। तो गोगामुख के अंदर बनेगा, गोगामुख कहाँ पे है, असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ पे बनेगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भारत का 3rd इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इससे पहले एक दिल्ली के अंदर है और दूसरा है रांची झारखंड के अंदर। प्रधानमंत्री ने इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज उसका उद्घाटन किया असम में, और इसका नाम रखा है भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका वॉज अ ग्रेट सिंगर ऑफ असम, तो इसका ये जो इसको ढोला सादिया ब्रिज भी बोलते हैं, और इसका नाम अब हो गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। सो इस ब्रिज के बारे में, ये लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है लोहित नदी, और असम और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश को ये आपस में जोड़ती है। तो टोटल जो ये जो लेंथ है इसकी वो है 28 किलोमीटर, 28.50 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट है, और लेंथ ऑफ द ब्रिज है 9.15 किलोमीटर। तो प्रोजेक्ट की लेंथ नहीं पूछते एग्जाम में, ब्रिज की लेंथ पूछते हैं। तो 9.15 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, और ये ब्रिज जो है ये सादिया को कनेक्ट करेगा ढोला से। सादिया जो है ये असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, और ढोला विलेज जो है ये भी असम के अंदर है। इससे असम और अरुणाचल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 घंटे की बजाय सिर्फ 1 आवर हो जाएगा, डिस्टेंस 165 किलोमीटर कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ये ब्रिज है ये भारत का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, जो सेकंड लॉन्गेस्ट है बांद्रा वर्ली सीलिंग, उससे ये 3.55 किलोमीटर ज्यादा लंबा है, और इसको बनाया है ब्रिज को नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने। ये जो ब्रिज है ये 60 टन का वेट लोड कैरी कर सकता है, उसे विदस्टैंड कर सकता है, उसे सह सकता है, और बैटल टैंक्स को भी ये सह सकता है। इसके अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए जो स्टील दिया है वो सेल ने दिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिया है, और इस ये अर्थक्वेक प्रूफ है। इसके जितने भी पिलर हैं, 182 पिलर हैं, याद रखिए इस ब्रिज में 182 पिलर हैं, सारे सीज़मिक बफर हैं सब में, जो अर्थक्वेक से आपको बचा सकते हैं। और ये BOT, इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो खर्च हुआ है 2056 करोड़, BOT से कंस्ट्रक्ट हुआ है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एन्युइटी बेसिस पे कंस्ट्रक्ट हुआ, और इससे क्योंकि 6 घंटे का डिस्टेंस अब 1 घंटा रह गया है, तो काफ़ी पेट्रोल और डीजल बचेगा। एस्टिमेटेड है कि 10 लाख रुपये पर डे पेट्रोल डीजल बचेगा। असम जो है वो श्रीमंत शंकर देव बातादरव का जो बर्थ प्लेस है उसे डेवलप करेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो श्रीमंत शंकरदेव बातादरव का जो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, इनका जन्म स्थान, ये अनाउंसमेंट करा असम के CM सर्बानंद सोनोवाल ने। सो ये एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस श्राइन बनेगा। और श्रीमंत शंकरदेव कौन थे, ये एक 15th और 16th century के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे, सेंट थे ये, और वैष्णवाइट थे ये, मीन्स विष्णु, लॉर्ड विष्णु उपासक थे ये। सो ही वॉज बॉर्न एट अली फुकरी बोरदोवा इन 1449, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट असम के अंदर स्टार्ट किया था, गुरु नानक की तरह, रामचंद, कबीर, बसवा, चैतन्य महाप्रभु की तरह असम में स्टार्ट किया था श्री मंत शंकर देव जी ने, याद रखिए। और इन्होंने बहुत सारे म्यूजिक भी बनाए, जैसे इन्होंने नए फॉर्म ऑफ म्यूजिक बनाए जिसे बोर गीत बोलते हैं, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस जैसे अंकिया नाट और भावना, डांस फॉर्म जैसे सत्रिया, और लिटरेरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ब्रजावली, ऑल दीज आर द क्रिएशंस ऑफ श्री मंत शंकर देवा। असम ने अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लॉन्च कर दिया है खुद का,
ये स्टेट ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लॉन्च करा है सरकारी, जिसका नाम है tokapoisa.in. tokapoisa.in इज द इंडिजिनस डेवलप्ड ई वॉलेट ऑफ असम. इसको डेवलप करा है AMTRON ने, यानी असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है. यहाँ पे आप वर्चुअल पेमेंट टर्मिनल होगा जिससे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम की तरह. भूटान जो है वो अपना राजनयिक संबंध बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक एम्बेसडरियल ऑफिस, कंसुलेट जनरल ऑफिस खोलेगा. ये खोला जाएगा गुवाहाटी में, ये याद रखिए, गुवाहाटी में खोला जाएगा. और सरकार, भूटान की सरकार की तरफ से ही ये प्रपोजल हुआ था. इससे एंटी टेररिज्म में भी हेल्प मिलेगी, दूसरे देशों को दूर रखने में, और आपसी सहयोग जो होगा डिफेंस में उसमें भी हेल्प मिलेगी. 3 दिन का आरोग्य मित्र कॉन्फ्रेंस हुआ सिलचर असम में, ये आपको याद रखना है. और केशव स्मारक संस्कृति सुरभि नाम का एनजीओ है, उसके सहयोग से हुआ ये, और ये ऑर्गेनाइज हुआ वेटनरी कॉलेज कैंपस में जो है घुंगूर के अंदर. इसमें फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई लोगों को, जो खासकर गरीब तबकों से आते हैं, जो पुअर पीपल हैं उन्हें. और इसके अलावा आरोग्य मित्र सेवा केंद्र, ये 701 प्लेसेस पे खोले गए जिससे लोग अपना इलाज करा सकें. और जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बराक वैली और दूसरे जो एरिया हैं उनसे 1000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया. इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्र लिटरेरी फेस्टिवल हुआ गुवाहाटी के अंदर, और इसका उद्घाटन करा हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने. और ये जो फेस्टिवल है इसे मनाया, ऑर्गेनाइज किया नेशनल बुक ट्रस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर. तो ये आपको याद रखना है. और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस था, खासकर जैसे संस्कृति, लिटरेचर, लैंग्वेज एट्सेट्रा. विदेशों से भी बहुत सारे जो कवि हैं वो आए यहाँ पे, जैसे कार्लो पिजाटी इटली से आए, क्लारा पेनाल्वर स्पेन से, रैनी टगुची जापान से, लिंडा क्रिस्टेंटी इंडोनेशिया से, और धूपल राज हीरामन और रामदेव धोरुंधा राय मॉरिशियस से. 2 दिवसीय असम बायोटेक कॉन्क्लेव हुई गुवाहाटी के अंदर, याद रखिए, और इसका उद्घाटन करा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर केशव महंता, असम के साइंस टेक मंत्री हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साइंस टेक मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन. सो सर्वानंद सोनोवाल भी थे जहाँ जब इसका इनोग्रेशन हुआ. तो ये था 2 दिवसीय बायोटेक कॉन्क्लेव, और ये हुआ गुवाहाटी के अंदर. इसके अलावा 4th असम इंटरनेशनल एग्री हॉल्टी हुआ, ये शो ये हुआ खानापारा है गुवाहाटी असम में, और ये चौथा असम इंटरनेशनल एग्री हॉल्टी था. सर्वानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन करा, और यहाँ पे नाबार्ड ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया. सरकार अगले 5 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी. गवर्नमेंट ऑफ असम इन नेक्स्ट 5 ईयर विल इन्वेस्ट 30,000 करोड़ रुपीज इन 24,000 रेवेन्यू विलेजेस ऑफ द स्टेट. एंड स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना, समग्र ग्राम उन्नयन योजना. एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अतुल बोरा. इसके अलावा असम राज्य में 214 मिनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाई गई हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं. और बस इतना याद रखिए, असम ने चीफ मिनिस्टर अवार्ड स्टार्ट करा है उन डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड करने के लिए, उन सम्मानित करने के लिए जो डिजिटल पेमेंट्स में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं. तो इसका नाम होगा चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड. और जो भी डिस्ट्रिक्ट डिजिटल पेमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करेगा, उसका जो IAS ऑफिसर है, उसका जो डेप्यूटी कमिश्नर है, उसे 50,000 रुपीज़ का एक प्राइज मनी दिया जाएगा. असम ने उदय स्कीम स्टार्ट कर ली है. उदय स्कीम बोलते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना को. बेसिकली होता क्या है, हर स्टेट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, बिजली वितरण कंपनियां करती हैं, और वो काफ़ी नुकसान में चल रही हैं. तो जितना भी उनका नुकसान है वो 75% जो उधार है वो पे कर सकते हैं बॉन्ड इशू करके, और 25% वो सिक्योरिटीज इशू करके पे कर सकते हैं. इस स्कीम का नाम है उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना. अब इन्होंने असम ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है असम में, समग्र ग्राम उन्नयन योजना, ये भी चल रही है. CMSGUY समग्र ग्राम उन्नयन योजना क्या है, ये नई स्कीम अनाउंस करी है जिससे विलेजेस का विकास हो सके. और एक बहुत बड़ा मिशन चलाया गया है कि अगले 5 साल, जो 2021-22 तक टाइम है इसके लिए, 31 मार्च 2022 डेडलाइन है, तब तक हम गरीब जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके थ्रू एक गांव का विकास करेंगे. सो इस स्कीम के अंदर क्या क्या आता है, हम रूरल इनकम जनरेशन करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्कीम, इंप्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी, वी विल प्रोवाइड इरीगेशन इन दोज एरियाज वेयर वाटर स्कार्स, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और इसमें सिस्क स्केड्यूल काउंसिल PRI ULB वगैरह को भी हम प्रेफरेंस देंगे. बैम्बू कैन प्रोडक्ट की कल्टिवेशन बढ़ाएंगे. सेरीकल्चर होता है सिल्क वर्म्स, जैसे मूगा सिल्क होता है तो वो सिल्क वर्म से बनता है, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर. और हाई यील्डिंग वैरायटी यूज करेंगे, सीड स्पाइसेस वेजिटेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे एटसेट्रा. तो इन्होंने असेसमेंट भी कराया है,
जो 2002 से 2012 तक इन 10 सालों में जो असम के जो फार्मर हैं उनका जो इंक्रीज इन इनकम था ओनली 0.88% पर ईयर था और नेशनल एवरेज था 5.2. सो असम इज वेरी बिहाइंड इन एग्रीकल्चर एंड दैट इज वाई नाउ द थर्स्ट इन ऑन एग्रीकल्चर. सो इस स्कीम के तहत सरकार 1.2 करोड़ रुपीज हर गांव पे खर्चा करेगी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. और स्कीम का क्या नाम है, स्कीम का नाम है समग्र ग्राम उन्नयन योजना. इसमें गांव में सर्वे कराया जाएगा, डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, पंचायती रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन किया जाएगा और 500 करोड़ रुपए बजट में प्रोवाइड किए थे और 1000 करोड़ सप्लीमेंट्री डिमांड रखी है, यानी बजट में स्कीम के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है. असम की जो सरकार है उन्होंने 25 लाख ट्रीज वो लगाएगी सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. तो ये जो एरी और मुगा सिल्क जो है, दो तरह का सिल्क होता है मेनली, एक होता है एरी सिल्क और दूसरा होता है मुगा सिल्क इन असम. तो 25 लाख ट्री लगाए जाएंगे जिससे जो एरी और मुगा ककून है उनकी ग्रोथ हो सके, जिससे जो जो सिल्क है असम में उसका विकास हो सके. इसके अलावा यान बैंक बनाए जाएंगे असम के 9 डिस्ट्रिक्ट में. और यान बैंक, यान होता है थ्रेड, जो थ्रेड होता है सिल्क का उसे बोलते हैं यान. सो यान बैंक बनाए जाएंगे और एरी मुगा और सिल्क एंटरप्रेन्योर जो हैं उन्हें सरकार सपोर्ट करेगी. और एक हैंडलूम पार्क बनेगा, ये बनेगा नागांव डिस्ट्रिक्ट में, जो लगभग 20,000 पीपल को बेनिफिट करेगा. असम की जो विधानसभा है उन्होंने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया है 8th क्लास तक. संस्कृत अब एक कंपलसरी लैंग्वेज है असम में 8th क्लास तक. यह संस्कृत को प्रमोट करने के लिए किया गया है क्योंकि संस्कृत जो है वो बाकी भाषाओं की जननी है. ऐसा कहा जाता है कि ऑल द अदर्स लैंग्वेज आर बॉर्न फ्रॉम संस्कृत. असम की गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन अप्रूव कर दिया है. ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा 1st अप्रैल 2016 से और ये फायदा करेगा वहां के 4 लाख एम्प्लॉयज को. इससे 3,000 करोड़ रुपीज का एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा ऑन दी असम स्टेट गवर्नमेंट एक्सचेकर. असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है सेक्रेड इनिशिएटिव जिससे माजुली को कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके. सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो होता है ये 21 मार्च को होता है. इस दिन अनाउंस करा सर्बानंद सोनोवाल सीएम ने कि हम माजुली को इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे. इसके लिए सेक्रेड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. सेक्रेड का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट. आई रिपीट, सस्टेनेबल एक्शन फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट, इन शॉर्ट सेक्रेड. और माजुली आइलैंड को एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया जाएगा, एक जैविक विविधता दिखाने वाली धरोहर बनाया जाएगा और यहाँ पे टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा. माजुली आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिड रिवर डेल्टा आइलैंड सिस्टम है. ये भारत का फर्स्ट रिवर आइलैंड भी है. इसके आसपास है सुभानसिरी रिवर है नॉर्थ में, ब्रह्मपुत्र रिवर है साउथ में और खेरकाटिया सूली स्प्लिट चैनल ब्रह्मपुत्र रिवर का है नॉर्थ ईस्ट में. और यहाँ पे जो मोस्टली मिशिंग ट्राइबल पीपल रहते हैं, इसके अलावा वैष्णवाइट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं. और यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव आए थे 15th सेंचुरी में, जो इन्होंने वैष्णवाइट जो कल्चर है उसको प्रमोट किया था. जो पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी वॉज आवर 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने इनॉग्रेट करा नमामि ब्रह्मपुत्रा. ये इंडिया का लार्जेस्ट रिवर फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है. देखिए जो ब्रह्मपुत्रा की जो लेंथ है वो है 2800 किलोमीटर, ओके. गंगा की जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर. सो ब्रह्मपुत्रा इज लॉन्गर देन गंगा, राइट, द होली गंगा. सो नमामि ब्रह्मपुत्रा इज द लार्जेस्ट रिवर फेस्टिवल इन इंडिया. And this festival was celebrated in 21 districts of Assam because Brahmaputra is central to the Assam requirements. And the ceremony was also attended by the Bhutanese Prime Minister Shering Tobgay. Now, Bhel has commissioned 250 megawatt plant at Bongaigaon in Assam. Remember this, it's a 250, Bhel has commissioned it, but this plant is of NTPC, National Thermal Power Corporation, and it is the highest rating coal-based power plant in the Northeast. So, Bongai power, this plant is located at Salakati near Bongai Gaon in Kokrajhar district of Assam. You should remember the location, it is very, very important. Also, Bhel is also executing a gas-based combined cycle power project at Namrup. The capacity will be 98.4 megawatt. So, Bhel is also putting one more project of 98.4 megawatt. This is a gas-based combined cycle power project at Namrup. Justice Sharma, he was sworn in as the Upa Lokayukt of Assam, which is called Ombudsman. So, he was... given the oath by former governor Banwari Lal Purohit. Lokayuk basically means anti-corruption ombudsman. And so remember this. Still there are a lot of Indian states where are no Lokayukt, but recently Lokayukt post has been established in Goa.
Assam celebrated the festival of Bihu. It is called Rongali Bihu. It is the one of the most colorful festivals of Assam. Rongali or the Bohang Bihu. There are two Bihus. The first day is known as Goru Bihu, and it is dedicated to the cattle. So remember this, and people in different part of the state, they take their cattle to ponds and river, and they give them a bath, good ceremonial bath, and they rub their body with what is known as Digalati pad, which is a leaf of a plant having medicinal value, which can kill all the flies and insects that trouble the cattle. People then sing songs, they sing traditional hymns, songs for the good health of their cattle. And the second day, first day is called Goru Bihu, second day it is called Manhu Bihu. It falls on the first day of the new Assamese calendar month of Bohag, and it is known as Manhu Bihu. Then people put on new clothes and they sing and dance and they take the blessings of elders. And Bihu one, it is a traditional Assamese towel that is known as Gomocha. It is exchanged. People exchange it as a mark of respect. Now, central government is building an aerotropolis in Assam. Aerotropolis, and this will be built in Assam, and 2000 acre land has been allocated for the same. So, you know, request has been sent to the chief minister to allot 2000 acres of land near Brahmaputra river. What is an aerotropolis? It is a metropolitan sub-region where the layout, infrastructure and economy are centered on an airport which serves as a multimodal airport city commercial core. So basically there is an airport and surrounding that there is industrial region. That is basically an aerotropolis is. Now, central cabinet has approved setting up of a new AIIMS in Kamrup in Assam. So remember this, and the cost of the project will be 1123 crore, and it will be set up under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, PMSSY. It will be in Kamrup in the North Guwahati Revenue Circle, AIIMS. So the new AIIMS will be completed within a period of 48 months. Now, under the scheme Swasthya Suraksha Yojana, AIIMS have been set up recently in Bhubaneswara, Bhopal, Raipur, Jodhpur, Rishikesh and Patna, and another AIIMS is being built in Rai Bareli. And three AIIMS recently, Nagpur in Maharashtra, Kalyani in West Bengal and Mangalgiri in Guntur have been sanctioned in 2015. And two AIIMS have been sanctioned at Bhatinda and Gorakhpur. Bhatinda is in Punjab, Gorakhpur in Uttar Pradesh in 2016. Now, India has signed a loan agreement with World Bank for the project Assam Citizen Centric Service Delivery. This is a very, very important project. And World Bank, the IBRD bank, is giving a loan of 39.2 million to Assam. This is called Assam Citizen Centric Service Delivery. That program size is 49 million and 39.2 million will be financed by the World Bank and remaining amount will be financed by the government of Assam. The program duration is 5 years, and what is the objective of the project? It is to improve the access in the delivery of the public services in Assam. Now, World Bank is also giving a loan of $44 million to Assam for their project called Aspire. Aspire means Assam State Public Finance Institutional Reforms Project. In other words, Aspire. This is extremely important. And again, the loan was given by World Bank. This program, this Aspire project will improve the transparency in the budget execution and tax administration in the Assam. So Aspire project is based on three important components. One is strengthening the public finance system. Second is strengthening the expenditure and revenue information system on project management, monitoring and evaluation and coordination. So the Aspire project is for 5 years and it is expected to be completed by 31st March 2022. Five states in India and Puducherry, which is a union territory, they have signed with government e-marketplace. Government e-marketplace is for buying and for procurement of goods and services. So which are these five states? One is Assam, remember that. So there is Andhra Pradesh, Gujarat, Telangana, Arunachal Pradesh and Assam. These are the five states. And union territory is Pondicherry or Puducherry. Now Assam Forest Department, it wants to throw out the illegal encroachers. So remember, there is an Amchang Wildlife Sanctuary in Assam. This is very, very important. In the recent exam, it was asked from which wildlife sanctuary has government started an eviction drive of the encroachers. It is Amchang Wildlife Sanctuary, which is on the northeastern part of Guwahati. And it is a big sanctuary, almost 80 square kilometers. And you know, there are more than 1400 families which are illegally staying in Amchang Wildlife Sanctuary and they need to be thrown out. So for that, Assam government has taken this step. Assam's country liquor, it has got branded and it will be flavored also. So to prevent the duplicacy and adulteration, which means when we mix certain food substances, that is called adulteration of food. When we mix cheaper quality food in a normal food, that is called adulteration. So to prevent adulteration of food and revenue leakage, the Assam government has decided that the country liquor would be grain based and it will undergo chemical test and it will be branded.
making it mandatory for the bottles to sport a hologram in the case of Indian-made foreign liquor. The government has also decided to limit the alcohol content to below 12%. Now, Assam government has signed a memorandum of understanding with Google. By the way, Google CEO is Sundar Pichai. He is an Indian and Google is headquartered in California. So Google will do digital literacy in Assam. So through the MOU with Google, the state government would work to provide internet connection to 26,000 villages in Assam and 1,500 tea gardens also. Assam has done a major labor reform, and which is that the employer, the owner of a company, can now fire 300 staff without any government approval. So Assam has made an amendment to the Industrial Dispute Assam Amendment Bill 2017, which authorize employer to retrench or fire up to 300 employees. 300 logon ko naukri se nikal sakta hai ab koi bhi boss unka, aur uske liye sarkar ki permission bhi nahi chahiye. Ye ease of doing business ko promote karne ke liye kiya gaya hai. Pehle 100 tak logon ko fire kar sakta tha. Agar koi company mein 400 aadmi kaam karte hain to aap sirf 100 logon ko nikal sakte the. 100 se zyada ko nikalna hai to sarkar ka permission chahiye hota tha, lekin ab aap 300 logon ko bina sarkar ki permission ke nikal sakte ho. Assam jo hai wo kaushal vikas pe dhyan dega, skill development karega. Hamare skill development mantri hain Dharmender Pradhan, jo hamare oil and gas mantri bhi hain. So skill development karega Assam is ye 30,000 surrendered militants ka karega. Assam mein jo naxalwadi hain, maoowadi hain, ya jo jinhe bolte hain jo rebel hain, revolutionary hain, jinhone hathiyar dal diye hain, 30,000 aise logon ko kaushal vikas deke, khaskar jo youth hain unhe training di jayegi 40 sectors ke andar, aur ye September 2017 se start ho gayi hai. Assam jo hai unhone ek bill pass kara hai jiska naam hai Pranam bill. Pranam ka full form kya hai? Employees ke liye hai ye. Parents responsibility and norms for accountability and monitoring bill. Yani Assam ke jo sarkari employee hai, ab unhe apne maa baap ka khyal rakhna padega, varna 10% salary unki kaat li jayegi. Aur agar maan lijiye koi disabled family member hai, disabled sibling hai, और आप उसका ख्याल नहीं रखते तो एक्स्ट्रा 5%, तो आपकी 15% तक सैलरी कट सकती है अगर आप अपने मां-बाप या फिर दिव्यांग किसी कजन का ख्याल नहीं रखते हैं, डिसेबल्ड सिबलिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपकी सैलरी कटेगी. तो एक तरह से फोर्स किया गया है लोगों को कि वो अपने मां-बाप का या अपने भाई-बहन का, अगर वो दिव्यांग है, उनका ख्याल रखें. असम की सरकार ने एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेल बनाया है डीबीटी स्कीम के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए. अगर कोई शिकायत हो तो आप इसका निवारण यहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेल में जाके कर सकते हैं. असम जो है वो एक जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं जितने भी, उन्हें कैरियर सेंटर बनाएगा, उन्हें अपग्रेड करेगा. तो असम के जो स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं जिनका नाम है चंद्रमोहन पटोवरी, उन्होंने ये अनाउंस करा अभी कि जितने भी राज्य में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उन्हें मॉडर्न करियर सेंटर के तौर पर बनाया जाएगा. और याद रखिए स्टार्टिंग में दो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जिन्हें मॉडर्न करियर सेंटर बनाया जाएगा, एक गुवाहाटी में और दूसरा जोरहाट में. इसके अलावा नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ असम जो है उन्होंने मिलकर स्टार्ट करा है साथ इनिशिएटिव. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. साथ इनिशिएटिव स्टार्ट ये हुआ है कि केंद्र सरकार ने 3 ऐसे राज्य चुने हैं भारत में जो जिनको एक आइडियल हेल्थ स्टेट बनाया जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों में भी हेल्थ की स्कीम्स को उसको देखम देख फिर हम लागू कर सकें. तो 3 भारत के ऐसे राज्य बनेंगे जिनमें साथ इनिशिएटिव लॉन्च किया है. साथ का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम. तो ये है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, इसको बोलते हैं साथ. फुल फॉर्म याद रखिएगा. असम में भी लॉन्च हुआ है और असम में हेल्थ के लिए हुआ है. तो 3 राज्य कौन से हैं जिनमें हेल्थ केयर को अच्छा किया जाएगा? असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका. और इस प्रोग्राम को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, UNDP, यूनिसेफ इत्यादि. दुनिया का सबसे लंबा माँ दुर्गा का जो बैम्बू आइडल है वो बना है असम के अंदर. 100 फीट का है ये. इससे पहले जो रिकॉर्ड था दुर्गा पूजा में जो माँ दुर्गा का बैम्बू से स्टैचू बना था वो 83 फीट का था, ये था कोलकाता में, लेकिन अभी रिकॉर्ड टूट गया है. तो दुनिया का सबसे बड़ा गॉडेस दुर्गा का बैम्बू आइडल बना है असम में, और ये बनाया किसने? गुवाहाटी में बिष्णुपुर दुर्गा पूजा कमेटी ने इसे बनाया है. असम के काफ़ी फेमस पत्रकार थे, दैनिक असम के एडिटर थे RM भगवती, इनका निधन हो गया. और इन्होंने साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड जीता था 1991 में, और इन्हें फर्स्ट रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड दिया था असम की सरकार ने 2017 के अंदर. इसरो ने अपना रिसर्च सेंटर बनाया है गुवाहाटी ने. इसरो बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को. अभी ये सूरज ग्रह पे सोलर एनर्जी को स्टडी करने के लिए, सोलर जो इकोसिस्टम है सूरज ग्रह को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन भी इन्होंने शुरू किया है अभी. आदित्य L1 मिशन इसरो का, और इनके जो रॉकेट है उसका नाम है PSLV. तो ये रिसर्च सेंटर खोलेंगे अपना गुवाहाटी में. इसरो के चेयरमैन है AS किरण कुमार.
असम जो है वहां पे एक आईटीआई बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। इसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ये ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गया है। इसमें 60 सीट है और जो सर्बानंद सोनोवाल है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। असम जो है वो सरकार को रिपोर्ट देगा। चाइना ने इस बार हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चाइना जो है हर साल, चाइना में एक जगह है जिसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर, वहां से 3 नदी निकल के भारत आती है, एक सतलुज, एक इंडस और एक ब्रह्मपुत्र। तो इंडस तो पाकिस्तान चली जाती है, सतलुज भारत में रहती है और ब्रह्मपुत्र भी भारत में आती है। तो सतलुज और ब्रह्मपुत्र में जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है चाइना इंडिया को प्रोवाइड करता है। इस बार असम में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं लेकिन रेनफॉल नॉर्मल हुई है। तो ये कैसे संभव है कि रेनफॉल नॉर्मल है फिर भी फ्लड आए हैं? हो सकता है चाइना ने जितना भी ब्रह्मपुत्र पे जो डैम बने हो उनको खोल दिया हो एक साथ, इससे एक वाटर जो है एक्स्ट्रा स्टेट्स के अंदर आया है, इसको बोलते हैं वाटर बॉम्ब। तो अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पे जितने भी डैम हैं वो एक साथ खोल दिए तो फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा फ्लडिंग उसमें हो जाएगा। तो चाइना ने नहीं दिया है इस बार हमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा, तो कुछ दाल में जरूर काला है। इसीलिए असम की सरकार ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो असम की वो चाइना को कहे कि वो ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा हमें प्रोवाइड करें। असम जो है वो स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगा गुवाहाटी के आसपास। जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली के आसपास, वैसे ही एक स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा। और स्टेट कैपिटल रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे? कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कामरूप, नलबाड़ी, दारांग, मोरीगांव, ये होंगे। तो मैं रिपीट करता हूं, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कामरूप, नलबाड़ी, दारांग और मोरीगांव, ये होंगे एक स्टेट कैपिटल रीजन के अंदर। और कैपिटल गुवाहाटी जो है ये कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। असम भारत का 12वें राज्य बना है जिसने 2-child पॉलिसी करी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो फिर बहुत सारे बेनिफिट खो देगा। वो किसी भी फिर पंचायत या लोकल बॉडी इलेक्शन में या दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये आपको याद रखना है, इफ अ पर्सन हैज एनी वन मोर देन 2 children देन ही कैनॉट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू पंचायत एंड अदर लोकल बॉडीज इलेक्शन और फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, ही कैनॉट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। सो ये असम भारत का 12वां राज्य बना है 2-child पॉलिसी को लाने वाला। असम जो है वो जमीनों का अधिकार देगा स्मॉल टी ग्रोअर्स को, याद रखिए। सो लगभग 78,286 स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं असम में जिनको लैंड पट्टा दिया जाएगा जिससे वो अपना सिक्योर फील कर सके। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा होगा जिसपे वो खेती कर सकते हैं और इससे जो चाय की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी। याद रखिए असम की जो चाय विदेशों में जाती है तो काफ़ी सारे कंट्रीज ने मना कर दिया है कि वो असम की चाय को नहीं खरीदेंगे, और वो इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। इसीलिए जो चाय के बागान में जो काम करते हैं उन्हें लैंड पट्टा दिया जाएगा जिससे वो उस पर क्वालिटी कंट्रोल कर सके। 1 करोड़ रुपए जो है सरकार ने इसके लिए रखे हैं और एक सेंटर ऑफ बनेगा इसके लिए, इसी काम को करने के लिए, और ये सेंटर बनेगा जोरहाट में, याद रखिए। इसके अलावा जो एक सेपरेट सेंटर बनेगा छोटे जो टी ग्रोअर हैं उनके लिए असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ONGC जिसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC जो है इसके शशि शंकर हैं इस वक्त चेयरमैन। ONGC एक महारत्न कंपनी है और पिछले साल तक ये भारत की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी थी, सरकारी कंपनी। इस बार बन गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने ONGC को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ONGC अभी भी दूसरे नंबर पे सबसे प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी है। तो ONGC 456 करोड़ रुपए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट असम में लगेगा, और ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट लगेगा सिवा सागर डिस्ट्रिक्ट असम में, ये आपको याद रखना है। और 10 कुएं खोदे जाएंगे, 10 कुएं खोदे जाएंगे पेट्रोलियम लीज एरिया में। ये 10 कुएं बनेंगे रुद्रसागर, गेलेकी, लकवा, नामती, मैकापुर, सांताक नजीरा, सिवा सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ONGC जो है 10 कुएं खोदेगा, ये आपको याद रखना है, और हाइड्रोकार्बन ब्लॉक वगैरह भी किए जाएंगे। इसके अलावा ONGC बहुत बड़ी कंपनी है जो भारत का 70% हमारा क्रूड ऑयल है और 60% नेचुरल गैस वो प्रोड्यूस करता है ONGC। असम जो है वो अटल अमृत अभियान शुरू करेगा उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी असम सरकार की तरफ से। इसका नाम है अटल अमृत अभियान। इसमें जो सरकार है वो इंश्योरेंस कवर देगी सबको 2 लाख रुपए का, ईच फैमिली ऑफ द स्टेट को। ये स्कीम 25 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी लेकिन अब इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। इसका नाम है अटल अमृत अभियान। इसमें कई तरह के जो डिजीज़ हैं वो कवर किए जाएंगे, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, नियोनेटल यानी जो पैदा हुए बच्चे हैं उसके डिजीज़, ब्रेन, हार्ट रिलेटेड और बर्न इंजरी। सो इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो BPL फैमिली हैं जिनकी इनकम 1.2 लाख पर एनम से कम है उन्हें फ्री हेल्थ कार्ड दिया जाएगा स्कीम के तहत। और जो APL कैटेगरी में आते हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जिनकी इनकम 1.2 लाख से लेकर 5 लाख पर एनम है, उन्हें प्रीमियम भरना पड़ेगा सिर्फ 100 रुपये पर ईयर इस स्कीम को अवेल करने के लिए।
तो ये था आसाम के करंट अफेयर का भाग एक। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आसाम का है तो आसाम के राज्य में ही लोग इसे देखेंगे, तो उतने व्यूज़ नहीं होते हैं इस पर। तो अगर व्यूज़ कम होंगे तो फिर मेरा प्रोत्साहन कम होने लगता है, मेरा जो मोटिवेशन है वो अफेक्ट होता है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके लोगों के साथ प्लीज़ वीडियो शेयर करिए, तो मैं फिर आसाम के लिए और भी वीडियोज़ बनाऊंगा, और इसका भाग दो मैं अगले दो दिन के अंदर आप तक लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।